ऐसी बेहतरीन फिल्में पेश करने की ऐसी उम्मीद में हैं कि लोग फिर से जो है इंडस्ट्री को, जैसे अभी मैंने सुना है पठान फिल्म भी अच्छा कर रही है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। और आई फील कि जो हमारा खासकर हिंदी सिनेमा वाले पीछे रह गए हैं, हम भी हर इंसान अपने उस लेवल पर कोशिश कर रहा है। इमरजेंसी में आपकी जवानी का क्या राज है, सब प्रेस वालों को पता? अरे अच्छे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती है, इतने ज़्यादा लोग हमारे को इंस्पायर करने वाले हैं, प्यार तो बहुत मिलता है इनको। मुझे आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन, आप भी मानेंगे, जो अनुपम जी को प्यार ना करता इंडस्ट्री में। सतीश कौशिक भी बहुत प्यार करता है, इनको सब बहुत चाहते हैं। बट आज का दिन जो है वो हम सब के लिए खुशी का दिन है, इतनी बड़े पैमाने पे फिल्म बनाई है कंगना जी ने, बहुत बड़ी फिल्म है, वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स, वो उसका काम समापन हुआ है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इंडस्ट्री जिस मुश्किल फेस से गुजर रही है और इंडस्ट्री में जिस तरह से यू नो फाइनेंशियल इंडस्ट्री जूझ रही है, हर चीज़ से हम लोग एक सब मिलकर कुछ ना कुछ एक साथ आकर कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में पेश करने की ऐसी उम्मीद में हैं कि लोग फिर से जो है इंडस्ट्री को, जैसे अभी मैंने सुना है पठान फिल्म भी अच्छा कर रही है, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। और आई फील कि जो हमारा खासकर हिंदी सिनेमा वाले पीछे रह गए हैं, हम भी हर इंसान अपने उस लेवल पर कोशिश कर रहा है, हमारी भी ये कोशिश है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये फिल्म कम्प्लीट हुई है, बहुत अच्छे लोगों का साथ मेरा, जिनमें से अनुपम जी, सतीश जी, दे आर लाइक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर मी। एंड और कुछ मुश्किलें भी आई, कुछ शैतान लोग भी हैं जैसा कि आप जानते हैं, तो बदमाश तो हैं ये हर जगह, तो लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मुझे मिले और आज ये सफलता हमें मिली है, एक पहले पड़ाव है ये सफलता का। तो आई होप कि जल्दी से जल्दी फिल्म आप लोगों तक पहुँचे। कश्मीर फाइल को जैसा प्यार दिया गया देश भर में, फ्री में देखा गया कश्मीर फाइल, उसी क्या कंगना जी की फिल्में भी देखना चाहिए लोगों को? देखनी चाहिए, मतलब ऑफकोर्स इतनी बड़ी फिल्म बनाई है, इतना कमाल का इन्होंने काम किया, ये सवाल अपने आप में ही बेवकूफाना है, माफ़ी चाहता हूँ, क्यों नहीं देखना चाहिए इनको, जरूर देखना चाहिए। एंड जैसा कि इन्होंने कहा कि फिल्में अच्छी जा रही है, आज पठान की बहुत अच्छी रिपोर्ट सुनी है, वी विश देम ग्रेट लक एंड दे विल विश अस एंड ऑल दिस पीपल विल विश अस। सतीश जी, हाँ जी, 2023 जो है उसकी शुरुआत अच्छी हुई है और कंगना जी ने एक बहुत कमाल की फिल्म बनाई है, मेरे को पूरा भरोसा, बता भरोसे से भी ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि हमने काम किया और हमने इनको काम करते हुए देखा है, एक्टरों के साथ, यूनिट के साथ, अपने कैमरामैन के साथ, फिल्म के सब्जेक्ट को जिस तरह से इन्होंने डील किया है, बहुत ही सेंसिटिवली और बहुत ही भव्य तरीके से किया है। तो अब ये शुरुआत हुई कि हमारा स्वर्ण टाइम 2023 के अंदर आ गया, मतलब पठान ने शुरुआत की, इमरजेंसी आएगी है ना, और जबरदस्त आएगी। और आपको इतिहास का, जी जी, ये इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो कि अभी तक खुला नहीं है, किसी ने इस बारे में बात की नहीं है, कई मुद्दों से कर भी नहीं पाए। एक किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनी थी जो कभी रिलीज हो नहीं पाई, उसके बाद आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री पे काफ़ी पाबंदी रही है, जैसे हमने सुना है कि किशोर कुमार जी से लेकर काफ़ी कलाकारों को बैन भी किया गया था। तो लेकिन अब एक ऐसा माहौल है, आई थिंक हमें पूरी फ्रीडम है एक अपना अपना विचारधारा रखने की, तो इस दौर में आई थिंक लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म। और ये फिल्म किसी भी तरह की कोई किसी को क्रिटिसिज्म है, कोई तरह का कोई एक्सपोजे नहीं है, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये फिल्म हमारे देश के संविधान की कहानी है और ये देश हमें दिशा दिखाएगी और ये फिल्म देश को दिशा दिखाएगी, पॉजिटिव हम उस काले चैप्टर में से भी कुछ पॉजिटिव लेकर निकलेंगे, ये इस फिल्म का पूरा वो रहेगा। सो आई थिंक देशभक्ति की भावना हमने जगाएगी। अपने अकेले इनको ले साथ ही, मैडम एक मिनट, साथ ही।